हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट सेमी फेयर बाइक की, जिसे लोग आज भी टूरिंग के लिए बेस्ट बाइक मानते हैं और चाहते हैं कि काश हीरो कंपनी उनकी बात सुन ले और उसे न्यू मेजर अपग्रेड्स के साथ फिर से लॉन्च करे। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं हीरो करिश्मा की, जिसे पहले हीरो होंडा करिश्मा भी कहा जाता था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं करिश्मा के बारे में, और इसकी हिस्ट्री क्या थी और कैसे ये इवॉल्व हुई, और एक बेहतरीन बाइक होने के बावजूद भी ये कैसे इंडियन मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर पाई। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। में हीरो होंडा की CBZ लॉन्च होने के बाद, जिसने भी काफी उधम मचाया था इंडियन मार्केट में और 150cc बाइक कैटेगरी में अपना दबदबा जमा दिया था, उसके बाद हीरो होंडा ने उससे भी ज्यादा सोचा इंडियन मार्केट के लिए और प्लान करी 225cc वाली बाइक। हाँ जी, हीरो होंडा करिश्मा, जो 2003 में इंडिया में लॉन्च हुई जेट सेट गो टैगलाइन के साथ, और ऋतिक रोशन करिश्मा के ब्रांड एम्बेसडर थे। और जब ये लॉन्च हुई तो ये इंडिया की एक लौती प्रीमियम कहलाई जाने वाली बाइक थी, और कोई शक नहीं कि हीरो होंडा ने अपनी बाइक पर स्टिकर्स भी दिए थे प्रीमियम स्पोर्ट्स के, जिससे वो गर्व के साथ कह सकते थे प्रीमियम स्पोर्ट्स। और 2003 में जब ये लॉन्च हुई तो थोड़ी ओवर प्राइस थी, इसलिए 2004 में इसके प्राइस में 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया और इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो गई 69,900, यानी कि लगभग 70,000 रुपये करीब। और करिश्मा को डिजाइन स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ही करा गया था, लेकिन हीरो का जॉइंट पार्टनर होंडा, जो एक लीडिंग जैपनीज ऑटोमोबाइल मेकर है आज तक, वो चाहते थे कि जिस बाइक पर उनके ब्रांड का नाम हो तो उसकी क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए और वो लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर्स दोनों के लिए हो। और वैसे अकेले हीरो कुछ कर भी नहीं पाता, इसलिए होंडा ने करिश्मा की स्टाइलिंग में अपनी बड़ी बाइक होंडा VRF 800 और CBF 600 से लेकर ही करिश्मा को डिजाइन करा था, और उन बाइक्स के कुछ एलिमेंट्स करिश्मा में देखे जा सकते हैं। और इसका स्पोर्टी और कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन बिल्कुल वैसी थी जैसी होंडा CBZ 125 और BMW F 650 की थी। और इसके काफी रिव्यूज भी आए थे कि करिश्मा की हैंडलिंग काफी अच्छी है और स्ट्रेट रन आउट और कॉर्नरिंग में भी काबिले तारीफ है, लेकिन इसके स्मॉल साइज रियर टायर, हैंडल बार और फुटपैक्स की वजह से इतनी स्पोर्टी हैंडलिंग भी नहीं थी, लेकिन ये भी एक कारण है कि इसे ट्यूरिंग के लिए काफी पसंद किया जाता था। और इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड होंडा का ही इंजन था उनकी CRF 230 सीरीज की बाइक से, जो एक मोटोक्रॉस और ऑफ रोडिंग या एंडीरो वाली बाइक्स हैं, जो आपने देखा होगा जिसे डर्ट बाइक भी कहा जाता है। इसलिए करिश्मा में ये 223cc का इंजन थोड़ा डिट्यून था, और CRF 230 सीरीज की बाइक्स में ये इंजन 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता था, लेकिन करिश्मा में इसे 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ दिया इंडियन कंडीशंस को देखते हुए। और इसका 223cc का इंजन जो करिश्मा में था वो रिलीज करता था 17 BHP की पावर और 18.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क, और करिश्मा की टॉप स्पीड थी 130 km/h की, और ये 0 से 60 सिर्फ 3.8 सेकंड में अचीव कर लेती थी। और करिश्मा की फर्स्ट जनरेशन की फ्यूल इकोनॉमी थी 40 km/L की, जो ज्यादा से ज्यादा 50 km/L भी दे सकती थी और बुरे से बुरे 28 km/L भी, आपकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। करिश्मा की फर्स्ट जैन में 15 लीटर का फ्यूल टैंक था, जिसे एक बार फुल कराने पर आप 600 किलोमीटर दूर तक जा सकते थे, यानी कि 600 किलोमीटर तक की रेंज, जो कि एक रीजन था जिसे टूरिंग बाइक के लिए बढ़िया माना जाए। और उस वक्त तक इंडिया में इसके कॉम्पिटिशन में भी कोई बाइक नहीं थी। फिर इसके बाद करिश्मा का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो आया वो आया 2007 के अंदर पल्सर 220 DTS FI के रूप में, जो एक फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक थी। और तभी ये देखकर हीरो होंडा ने भी अपनी करिश्मा में मेजर अपग्रेड्स करा करिश्मा R नाम से, लेकिन उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं थे, बस वही ओल्ड करिश्मा थी न्यू कलर्स और न्यू स्टिकर्स के साथ। लेकिन फिर भी करिश्मा ने उस टाइम तक अपनी पकड़ जमाए रखी और पल्सर 220 DTS FI के आगे फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि पल्सर 220 के स्टार्टिंग मॉडल्स जो फ्यूल इंजेक्टेड थे उसमें फ्यूल इंजेक्शन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स और इश्यू आए थे,
लेकिन 2009 में बजाज ने पल्सर 220 के अंदर से फ्यूल इंजेक्शन को डिच कर दिया और कार्बोरेटर के साथ रिप्लेस कर दिया, जिससे बाइक सिंपलर और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई और करिश्मा के प्राइस टैग में आने लगी और करिश्मा आरके डायरेक्ट कंपटीशन में आकर करिश्मा की छुट्टी करने लगी, क्योंकि पल्सर में बहुत सी ऑसम फीचर्स थे जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ट्यूबलेस टायर्स, रियर डिस्क ब्रेक्स, जिसकी वजह से हीरो होंडा की फ्लैगशिप बाइक जो एक बेहतरीन बाइक थी वो रेस हारने लगी। और वैसे थोड़ी गलती कंपनी की भी थी, क्योंकि 2009 में फिर से करिश्मा आर में अपग्रेड्स आए, लेकिन सिर्फ स्टिकर और कलर स्कीम के अंदर। और 2008 में यामाहा ने भी अपनी सुपर स्पोर्ट इंस्पायर्ड बाइक R15 से एंट्री कर दी थी इंडिया में। और यामाहा R15 पर भी मेरी ऐसी एक स्पेशल वीडियो है, जिसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर यामाहा R15 के बारे में जानना है सब कुछ तो वीडियो जरूर देखें। तो R15 के आने से करिश्मा की सेल में और डाउनफॉल आने लगा और इसी वजह से 2009 में हीरो ने करिश्मा को इस बार न्यू अंदाज में लॉन्च करा, जिसका नाम था करिश्मा ZMR। और हीरो ने अपनी करिश्मा ZMR को फुल फेड लुक में इंट्रोड्यूस करा। अगर R15 R1 से इंस्पायर्ड है तो क्या आप करिश्मा ZMR को सुजुकी हायाबुसा से इंस्पायर्ड कहोगे? वैसे एक बार को ख्याल तो जरूर आएगा, क्योंकि जिस तरह करिश्मा की साइड फेयरिंग पर ZMR लिखा हुआ होता है वो हायाबुसा की याद तो जरूर दिलाता है। लेकिन मेरे लिए करिश्मा ZMR बिल्कुल एक अजीब बाइक थी, जो कि बेसिकली ओल्ड वाली करिश्मा आ रही थी, बस ZMR पर प्लास्टिक के कपड़े पहनाए हुए थे, जबकि दूसरी साइड R15 तो एक मास्टरपीस था, जिसका एडवांस टेक्नोलॉजी वाला इंजन और पैरामीटर फ्रेम। बस ज्यादा नहीं बता रहा R15 का इस वीडियो में, उसके लिए उसकी अलग वीडियो है, वो देखें। बस R15 सच में एक सुपर स्पोर्ट्स रेप्लिका बाइक है। तो करिश्मा की थर्ड जनरेशन यानी ZMR में वैसे फ्यूल इंजेक्शन, ट्यूबलेस टायर्स और रियर डिस्क सब दे दिया था कंपनी ने, लेकिन फिर भी फुल फेयरिंग वाली करिश्मा कुछ पावरफुल नहीं लगती थी, क्योंकि ये भी सिर्फ 17.83 PS की पावर रिलीज करती थी, जो करिश्मा R पुरानी वाली 17 PS की करती थी। यानी कि कोई मेजर अपग्रेड्स नहीं थे, ना तो इसके इंजन में ना ही इसकी टेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद, जैसे कि आप सबको पता है कि हीरो और होंडा की पार्टनरशिप खत्म हो गई थी 2010 के करीब, उसके बाद से हीरो ने और होंडा ने दोनों ने कभी एक साथ बाइक्स लॉन्च नहीं करी मिलके। तो फिर ये सब होने के बाद हीरो ने EBR यानी कि एरिक ब्यूल रेसिंग, जो एक अमेरिकन मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप कर ली और इस कोलैबोरेशन से न्यू करिश्मा R और करिश्मा ZMR आई, जिनका डिज़ाइन बिल्कुल ही चेंज था अपनी प्रीवियस जनरेशन से और जो एरिक ब्यूल रेसिंग की बाइक EBR 1190 से इंस्पायर्ड थी। आप कमेंट में बताएं कि ये न्यू डिज़ाइन वाली करिश्मा आपको पसंद थी या फिर ओल्ड क्लासिक डिज़ाइन वाली। और वैसे हीरो के पास जितनी हाई एंड बाइक्स हैं और आने वाले हैं, उन सब बाइक्स के डिज़ाइन में इस अमेरिकन कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर 2014 में जब हीरो की तरफ से ऑल न्यू करिश्मा R और करिश्मा ZMR लॉन्च हुई, अब करिश्मा दो वेरियंट्स में अवेलेबल थी, करिश्मा R और करिश्मा ZMR। करिश्मा R और करिश्मा ZMR में जो डिफरेंस था वो था कि करिश्मा ZMR में रियर डिस्क ब्रेक्स थे, ओल्ड कूल थी, जबकि R वाला वर्जन एयर कूल था और फ्यूल इंजेक्शन था, जिसकी वजह से इसके पावर आउटपुट में भी डिफरेंस था। जैसे करिश्मा R 19.2 BHP रिलीज करती थी और ZMR 20 BHP। और कंपनी क्लेम करती थी कि ये न्यू जैन करिश्मा 0 से 60 सिर्फ 3.6 सेकंड में अचीव कर लेती हैं और इनकी टॉप स्पीड वही सेम थी अपनी पिछली जनरेशन जैसी, यानी 130 किलोमीटर पर आर की। लेकिन इस बार इसका माइलेज में इंक्रीज आया था ओल्ड जनरेशन के हिसाब से और इसमें अब ऑयल कूल्ड इंजन भी आ गया था एयर कूल्ड की जगह। लेकिन ये सब फीचर्स होने के बावजूद भी और न्यू अपग्रेड्स आने के बाद इंडियन मार्केट में अवेलेबल दूसरी बाइक के मुकाबले कॉम्पीट नहीं कर पाई। जैसे मैंने बताया, उस समय इसके मेन कॉम्पिटिटर में बजाज पल्सर 220 और यामाहा R15 थे। उसके बाद तो बहुत बाइक्स आ गई इंडिया में जो काफ़ी स्पोर्टी थी और करिश्मा के चार्म को धीरे धीरे कम करने लगी। और कम सेल्स होने की वजह से 2017 में कंपनी ने करिश्मा की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी और 2019 तक इसके लास्ट मॉडल्स बिके इंटरनेशनल मार्केट में। वैसे हीरो ने अभी करिश्मा का स्पेस फिल करने के लिए हीरो CBZ एक्सट्रीम का फेयरिंग मॉडल लॉन्च करा था, जो एक 200cc की बाइक है। लेकिन हीरो कंपनी को थोड़ा और सोचना चाहिए अब परफॉर्मेंस बाइक के लिए, कम्यूटर बाइक्स के अलावा भी, वरना तो हीरो की इमेज इस वक्त कम्यूटर बाइक वाली इमेज बनकर ही रह गई है। और हीरो को न्यू इनोवेशंस के साथ कोई 250cc में अपनी बाइक लॉन्च करनी चाहिए इंडिया में, या फिर वो करिश्मा को फिर से रिवाइव कर सकते हैं और रीलॉन्च कर सकते हैं एक अलग अंदाज में, क्योंकि करिश्मा की हिस्ट्री तो आपको पता ही है और अभी भी करिश्मा के चाहने वालों की कमी नहीं।
और हमको भी कोई एक टूरिंग बाइक चाहिए, यानी कि एक स्पोर्ट टूरर जो स्पोर्टी के होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी हो और लॉन्ग रेंज में जाने के लिए एकदम बेहतरीन, यानी कि करिश्मा हमें फिर से चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में शेयर करें ये करिश्मा की स्टोरी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए और कनेक्टेड रहने के लिए हैंडल आपको नीचे दिख जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।